हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यमुनोत्री में, माँ यमुना के दर्शन करने। आज वहाँ पे कपाट भी खुलने वाले हैं। तो सुबह हम चिन्याली से चले थे, अभी हम पहुँचे राड़ी टॉप। मैं इस रूट में पहली बार ही आ रहा हूँ, तो अगर आप यमुनोत्री जाना चाहते हैं तो आपका यही रूट रहेगा। पहले आपको चिन्याली से उड़ाना पड़ेगा धरासुर, धरासुर से ब्रह्मखाल। तो अभी हम राड़ी टॉप में हैं, तो यहाँ पे बाबा बौखनाथ का भी मंदिर है। तो जो भी यमुनोत्री यमुना माँ के दर्शन करने जाता है इस रूट से, तो जब भी आप राड़ी टॉप पहुँचे तो यहाँ पर एक इनके नाम का सिरपल आप ज़रूर रखें। तो अभी हम बहुत सारे लोग आए हैं। ये प्रियांशु है, क्या खा रहा है? आप बिस्किट खा लो। अच्छा, बिस्किट खा लो, इसको बहुत भूख लग रखी है सुबह से। तो ये यहाँ पे मंदिर है और हम टोटल आए हैं 7 लोग। चाची है, चाचा है, मौसी, मामा और दिव्यांशु, प्रियांशु आए हैं। 3 गाड़ी में हम 7 लोग चल रहे हैं। और ये यहाँ पे ये मंदिर है बाबा बौखनाथ जी का, और इसी के ठीक बगल में ये हनुमान जी का भी मंदिर है। लोकेशन बहुत ही अच्छी यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमने सिरपल वगैरह भेंट करने के बाद अब हम यहाँ से आगे के लिए चलते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बड़कोट होने वाली है। बड़कोट के आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। मैं भी अभी पहली बारी यमुनोत्री जा रहा हूँ। गंगोत्री तो इससे पहले गया था 3-4 बारी, लेकिन कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि यमुनोत्री आए। यहाँ से एक रूट ये डाइवर्ट हो रहा है, ये बड़कोट नौगांव विकास नगर के लिए ये रोड जा रही है, और साइन तो दे रहा है कि यमुनोत्री राइट की तरफ है। देखते हैं, तो यहाँ से हमें राइट ही जाना है। वैसे बड़कोट यहाँ से 2 किलोमीटर है, वहाँ तो नहीं जाना है। ये वाला रूट यमुनोत्री का है, तो इसी की तरफ हमें अभी जाना है। तो इस चोटी को देखो, अब यहाँ से कुछ लोग दिख रहे हैं पहले करें, यहाँ पे लगाओ बहुत भयंकर वाला जाम।
जाम अभी कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। चलो 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 रुक जाओ पुलिस वाले। तानू छाड़ पिटन लगे करना काफी जगह उसको आगे जाना होता तो वो निकल ही जाता। चलो अब और हम दो चलो आगे तो पीछे बहुत भयंकर वाला जाम लगा हुआ था और एट लास्ट हम पहुंच गए हैं जानकी चट्टी में। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, पहला दिन है और बहुत ही मतलब जितना जाम लगा हुआ था तो आप सोच सकते हो कि यात्री कितने पहले दिन यहाँ पे आ रखे होंगे। और अभी हम जानकी चट्टी में हैं, अभी यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होनी है। तो ये पुल है, पुल के ऊपर ये खरसाली गांव है, यहाँ पे खरसाली में मंदिर है और यहाँ से ये पैदल यात्रा स्टार्ट होती हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडी के ऊपर भी कुछ लोग यात्रा कर रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चर की सहायता से ऊपर जा रहे हैं और जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो कुछ इधर की तरफ है। और ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी भयंकर ढंग से पार्किंग हो रखी है, कुछ पार्किंग ये है और यहाँ पे बिल्कुल सड़क पे ही बस वगैरह पार्क हो रखी है। तो एक दो रूट है यहाँ तक जानकी चट्टी तक आने का, एक यहाँ से, लेकिन हम बीच में पुलिस वालों ने हमें दूसरे उस रास्ते से डाइवर्ट कर दिया था तो हम ये खरसाली होते हुए आए और क्योंकि यहाँ पे आगे आने की जगह नहीं थी तो हमने गाड़ी यहीं पे पार्क करी है। ये हेलीकॉप्टर अभी मंदिर के लिए जा रहा है शायद। ये हेलीकॉप्टर अभी मंदिर के लिए जा रहा है शायद। तो चलिए यहाँ से पैदल यात्रा भी स्टार्ट हो गई है, हमने काफी देर वेट किया और अब जा करके एक दो बजे के बाद ये समित ने मेरे को आधे रास्ते में छोड़ दिया था, मैं इनके लिए लेने जगह पर यहाँ से दो रूट है, एक खरसाली वाला रूट है और एक इधर जानकी चट्टी के लिए शॉर्ट रूट है। तो मैं शॉर्ट रूट से आया और ये जानकी चट्टी वाले खरसाली वाले रूट में आए तो मैं इनको लेने गया तो इस वाले रूट में आ गए तो हम आधे ऐसे फंस गए, मतलब एक या दो घंटे का रास्ता हमने बहुत ज़्यादा वेट करा इनकी वजह से, हम पुल पे ही खड़े रहे। खैर कोई बात नहीं